लाड़वा विधायक मेवर सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का लाड़वा हलके में जनसंवाद कार्यक्रम फेल साबित हुआ, जिससे हलके में लोगों को निराशा हाथ लगी है। विधायक मेवर सिंह ने कहा कि लाड़वा हलके के लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि वे लाड़वा हलके को बड़ी सौगात देने का काम करेंगे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा लाड़वा में एक रुपए की भी ग्रांट नहीं दी गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्यापक हो रहा है। विधायक मेवा सिंह ने बाबैन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जयपाल पंचाल के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मेवा सिंह ने कहा कि लाड़वा हलके के लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री से भारी उम्मीद थी, जिस पर उन्होंने पानी फेर दिया और लाड़वा हलके लोगों का अपमानित करने का काम किया। मेवा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों का अपमानित करने का काम किया है। इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य को स्टेज से उतारा गया, उनका अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने अपनी समस्या उठाई, उन्होंने बोलने नहीं दिया। विधायक मेवा सिंह ने कहा कि लाड़वा हलके की समस्याओं को मेरे द्वारा विधानसभा के हर सेशन में उठाने का काम किया गया, चाहे लाड़वा बाईपास की मांग, बबैन कॉलेज महिला कॉलेज, पीपली में बस स्टैंड, खानपुर कोलिया में ट्रामा सेंटर की मांग हो, हर बार विधानसभा में उठाने का काम किया, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। विधायक मेवा सिंह ने कहा कि बबैन में बस स्टैंड की मांग को लेकर जयपाल पंचाल की तरफ से कोर्ट में केस डाला हुआ है और जल्द इस फैसले पर आने की उम्मीद है। खबरनामा हरियाणा के लिए बबैन से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। लोगों की उम्मीद पे पानी फेर के गए, कहीं भी किसी भी पंचायत के लिए किसी गांव के लिए कोई विकास कार्यों के लिए घोषणा नहीं करके गए। लोगों की बात सुनने की बजाय लोगों का अपमान करके गए। जब भी किसी लोग ने अपनी बात अपनी समस्या रखनी चाहिए उसको धमका के उठा दिया गया, माइक ले लिया गया। आम लोगों की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो हाल कल हुआ वो भी एक देखने लायक था। दो दो बार की एमपी पार्टी की नेता उमरी में कहाँ बैठी, आप उसको फोटो में अच्छी तरह देख सकते हैं। और इसी शर्म के मारे उमरी के प्रोग्राम की बजाय कि वो किसी प्रोग्राम में नहीं आए। गांव में हर पंचायत में जबरदस्ती दो दो ढाई लाख के खर्चे, तीन तीन लाख के खर्चे करवाए गए। स्पेशल नए बूढ़े हर पंचायत में 4,000 के 7,000 के बूढ़े मंगाए गए। नए बिना आवाज के कूलर खरीद के वो नहीं रखवाए गए। 15-15, 20-20 हजार के नारियल मंगाए गए, नारियल पानी पीते था। ये हालात वो करके गए और ये समाज बिल्कुल फेल साबित हुआ। लोगों ने जिस उम्मीद थी उस पर पानी फेर के गए और जो पंचायतों वहाँ बुलाई हुई थी सभी निराश होकर वापस गई और आज वो सभी भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोस रहे हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो लोकल नेता कल उनके साथ थे, उनसे पूछना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7-7 साल पहले अनाउंसमेंट कर रखी हल्के में काम करने के लिए, पहले वो तो पूरी करवाओ। पीपड़ी का बस स्टैंड मुख्यमंत्री ने 7 साल पहले अनाउंसमेंट किया था कि पीपड़ी में जीटी रोड के ऊपर है बस स्टैंड, आधुनिक बस स्टैंड यहाँ पर बनेगा। और खुद मुख्यमंत्री जी और पूर्व जो परिवहन मंत्री थे कृष्ण कुमार जी दो बार तीन बार खुद साइट पे आके साइट देख के गए, अनाउंसमेंट करके गए, आधुनिक बस स्टैंड यहाँ पर बनेगा। खबरनामा के लिए बबैन से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।